गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लेके आई हूं कि कैसे इंस्टेंटली आप अपने सफेद बालों को ब्लैक कर सकते हो। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इंस्टेंटली आप अपने ग्रे हेयर को यानी व्हाइट बालों को काला कर सकते हो घर में आसानी से, वो भी नेचुरल मेथड यूज करके। मैं आज आपको कोई केमिकल वाली चीज नहीं बताने वाली हूँ, बिल्कुल नेचुरल चीज बताऊंगी जो कि इंस्टेंटली आपके सफेद दिख रहे बालों को काला कर सकता है। जैसा कि आप किसी पार्टी पे जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, या फिर ऐसी जगह जाना है जहां पे आपको अपने व्हाइट हेयर छुपाने हैं। मेनली तो हम लोग चाहते हैं कि व्हाइट हेयर ना दिखे क्योंकि वो देखने में काफी खराब लगते हैं। तो आप इनको इंस्टेंटली कैसे ब्लैक कर सकते हो, आज इस वीडियो में आप ये जानोगे, वो भी नेचुरल तरीके से। तो आज हम देखेंगे इंस्टेंट हेयर डाई आप घर में कैसे बनाओगे और कैसे यूज करोगे, वो भी सिर्फ 20 मिनट में अपने बालों को काला बनाने के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जिस इंस्टेंट हेयर डाई के बारे में बात कर रही हूँ वो है ये है नेचुरल इंडिगो पाउडर, यानी कि नील पाउडर, जो कि हमें एक प्लांट से मिलता है। तो आपको इसको यूज कैसे करना है वो देखिए। आपको सिंपल एक कटोरी लेनी है, उसमें अपने बालों के लेंथ के हिसाब से आप इंडिगो पाउडर ले लीजिए, 1-2-3 चम्मच जितना भी आपको लेना है। फिर सिंपल पानी में आप उसको घोल लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट आपको मेहंदी जैसा बनाना है, यानी हीना का पेस्ट जैसा आप बनाते हो उस तरह का बनाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह का आपका पेस्ट बन जाएगा। फिर आप इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दो। छोड़ने के बाद आप देखोगे इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा ब्लैकिश कलर का ये हो जाएगा। फिर आप अपने बालों में इसको मेहंदी की तरह लगा लीजिए, जैसे हीना आप अप्लाई करते हो अपने बालों पे, जिससे कि सारे बाल जो वाइट वाले हैं वो कवर हो जाएं। फिर आपको ये कम से कम 20 मिनट तो रखना ही है, या फिर आप 20 मिनट से ज़्यादा भी रख सकते हो, 1 घंटे तक भी रख सकते हो। अगर आपके बाल ज़्यादा मोटे हैं तो ज़्यादा टाइम तक के लिए रखिए, जिससे कि अच्छे से कलर आपके बालों में चढ़ सके। और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने बालों को धो लीजिए। इंडिगो पाउडर आप शैम्पू करने के बाद लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेम वैसे ही अप्लाई करो जैसे कि हीना को अप्लाई करते हो। बस हीना की प्रॉब्लम ये होती है, वो हमारे बालों को ऑरेंज शेड देती है जो वाइट हो गए हैं, मगर ये हमारे बालों को ब्लैक करता है। मैंने भी ट्राई किया है इसको, मेरे कुछ बाल आगे की साइड से यहाँ वाइट थे तो मैंने इसको ट्राई किया तो मेरे बाल बिल्कुल जेड ब्लैक हो गए। बस प्रॉब्लम ये आती है इस डाई में, ये इंस्टेंट तो है, काम अच्छा करती है, मगर धीमे धीमे जब आप हेयर वॉश करते हो तो निकलता भी है। जो आप परमानेंट कलर लेते हो मार्केट से, वो भी धीमे धीमे फेड ही हो जाते हैं, तो फिर इसमें इसकी क्या गलती। तो ये चीज निकलेगी, मगर अच्छी बात ये है ये नेचुरल है, आप इसको हर वीक लगा सकते हो अगर आप अपने ग्रे और व्हाइट बालों को छुपाना चाहो तो। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, मैंने इसके लिंक कुछ नीचे दिए हैं अमेजन से ढूंढ के, तो आप उनको भी देख सकते हो, अपनी पसंद से खरीद सकते हो। तो ये बहुत अच्छा काम करता है व्हाइट बालों को छुपाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की नेचुरल इंस्टेंट हेयर डाई, जिसको आप ट्राई करो, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये कैसी लगी, कितना फायदा दिया। और जल्दी से मुझे ये भी बताना आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे तो फॉलो नहीं कर रहे हो, जल्दी से वहां मुझे फॉलो करो और ज्यादा अपडेट्स के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने नहीं किया है तो। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।